जिला लाहौर में कायम डिस्प्ले सेंटर्स पर 10,134 वोटर लिस्टें रखवाई गई हैं। वोटर लिस्टों के मुताबिक जिला लाहौर में तकरीबन 41 लाख वोटर रजिस्टर्ड हैं। सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस में कायम रीजनल दफ्तर समेत शहर में कायम तमाम डिस्प्ले सेंटर्स पर वोटर लिस्टों पर एतराजात वसूल किए जा रहे हैं। वोटर लिस्टों में एड्रेस के गलत अंदराज की वजह से शहरियों को बार बार डिस्प्ले सेंटर्स के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि ना तो डिस्प्ले सेंटर्स के इंचार्ज फोन कॉल वसूल करते हैं और ना ही मुकर्रा वक्त पर सेंटर्स में मौजूद होते हैं। मेरा अंदराज मुस्तकिल मैं ग्रीन टाउन रहिशी हां, लेकिन जो मैं SMS करके पता किया तो इलेक्शन कमीशन से मेरा मुजफ्फर कॉलोनी जिला फैसलाबाद ना, मैं जिंदगी जो थे गया ना, मैं पता ना मेरा इलाका पता नहीं कितने वोट बना रहे हैं, किमें वोट बना रहे हैं। मगर साढ़े वोट कट कटिया हो गए ने, सानू पता ही नहीं, पूरे इलाके के वोट अगे पिछे हो गए ने, इलाके है ही नहीं जे जे इन्हें लिखे ने जिसे साढ़े वोट सुटते ने। वहाँ चक्कर भी लगाया, फोन भी करता रहा, फोन बंद रहा, आज भी उसका फोन बंद है। आखिर का मैं इनको ये फॉर्म पूर करके दफ्तर में दिया। शहरियों ने खदशा जाहिर किया है कि अगर वोटर लिस्टों में दुरुस्तगी के निजाम को आसान ना बनाया गया तो हजारों वोट जाया हो सकते हैं। वोट के लिए इलेक्शन के ऑफिस में आऊँ और मैंने पता किया कि मेरा वोट कहाँ बना हुआ है, तो उन्होंने कहा जी आपका वोट नवाज शरीफ पार्क में है, जबकि मेरी रिहाश इछरा में है। जो वोट है मेरा और मेरी वाइफ का, वो आरा वाला में हम कभी रहते थे, आज से कोई 30 साल पहले, तो वो उधर उन्होंने बना दिया वोट। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक 21 मार्च तक एतराजात वसूल करके हतमी फहरिस्तों को गलतियों से पाक कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि डिस्प्ले सेंटर्स पर तैनात अमला वोटों के अंदराज को दुरुस्त करने के लिए तामुन नहीं कर रहा है। कैमरामैन वाजिद अली के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42।